Hey everybody, my name is Lowell and welcome to the channel. So now, normally we don't do behind the scenes for Coke Studio, but I thought season 15, we might change it up a little bit. So we're going to do behind the scenes. This one came out today. We've already done the reaction video. So we're going to get a little bit more in-depth knowledge about the song. So let's do the behind the scenes for AI. Let's jump in. Let's have a look at this one. मैं जिधर अब आपको बताता हूँ जिस पॉइंट पे हूँ उस गाने को लेके, वो ये कि मैं एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो सिंधी कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, नैरेटिव्स, इवन उसका विजुअल भी ऐसा ही हो जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली, एडवेंचरसली उसको दुनिया तक पहुँचाए. वी वॉन्ट टू नो वट सिंध इज अबाउट, वी वॉन्ट टू नो वट दिस लैंग्वेज इज, और हु दोज पीपल आर. सो आई वॉन्ट दैट अटेंशन टू बी पेड टू आर सिंध. आई रिमेंबर वो रात का टाइम था एंड मैंने उनको भेजा था वो पूरा एक वॉइस नोट जिसमें मैंने उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई रिटन एंड मैंने एक्सप्रेस द होल केस, इसमें हम बात क्या कर रहे हैं. तो उसके बाद एक बड़ा इमोशनल सा रब्ता था हम दोनों के बीच में. हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता. मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, उनको मिलता है हमेशा, भाई तुम इस जबान में क्यों कर रहे हो. मैं दुआगो हूँ कि आप इसको जिस तरह देख रहे हो, जितना बड़ा देख रहे हैं, शायद मैं अभी उसको उस तरह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी दुआओं का शुक्रिया. ये कंडियन सिंगरी बबरो न पलड़ो, ये सिंधी में जो गानो इन्हें को इन्हें शुरू कयो. इसमें बहुत जिम्मेदारियाँ हैं करके, जो इसको 10 मिनट बाद मिलते हैं बेचारा जाके स्टोर में और गा लेता है. बहुत लायक ही है बेटा, है मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है. मेरा तो बहुत बहुत ख्याल करता है, परवरदिगार इसको आबाद रखे. नुमान, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है लाइफ का मकसद. आपको लाइफ बताती है फिर डिफरेंट तरीकों से कि क्या मकसद है. तो आज उन दिनों में से एक दिन है ये. शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका वॉइस नोट मेरे 14-15 साल की कमाई है बस. यार मेरे लिए हर प्रोसेस बिगेन होता है विद अ कॉन्सेप्ट नोट. कॉन्सेप्ट नोट था उमर मारवी की एक स्टोरी है, फोक स्टोरी. और वो स्टोरी एक्चुअली है ये कि एक विलेज गर्ल थी जिसको मारवी, जिसको एक किंग वहाँ का उठा के ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, सारी आसाइशें दूंगा. बट दैट गर्ल, शी वांटेड टू बी बैक विद हर ओन पीपल, शी डिडंट वांट एनी आसाइशें, राइट. सो इट्स अ स्टोरी दैट्स टोल्ड कि वो वहाँ से फिर लड़ के उसने रेजिलियंस शो की, वो किंग वापस उसको खुद छोड़ने आया. और वो वापस आ रही है और पूरा विलेज, सारी खुदाई उसको कह रही है कि आई आई आई, वो देखो जीत के आई. बात ये हो रही है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है, मेरे जो भी डिसीजन है मेरे ड्रीम्स के बारे में, मुझे कोई और क्यों बताए, लाइक सोसाइटी मुझे क्यों बताएगी. अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम मुझे इसलिए भी मत बताओ, क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो तुम मेरे लिए ताली बजाने वालों में भी नहीं होते हो. फोक में भी जो स्टोरीज, स्टोरी का जो एंगल्स दिखाया जाता है वो उसकी हार्डशिप्स दिखाई जाती हैं, लेकिन रेजिलियंस की बात को इस तरह खुल के होती नहीं है. सो वो एंगल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि सेलिब्रेशन हो तो रेजिलियंस की सेलिब्रेशन हो, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक टुडे. क्लैप कर दे. यस मंगी. हेलो. अच्छा मंगी, एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में? पहली बार इस गाने के तवज्जो से हम मिले, उसको देखोगे कि वो हमेशा अपने जोन में रहता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद ही है. और वो आप अगर उससे पूछोगे तो ही विल टेल यू दैट हाँ हाँ मुझे तो पता था ये होना था, आज नहीं तो कल हो जाता, कल नहीं तो परसों हो जाता.
कभी सोचा था कि इस तरह सिंधी रैप कोक स्टूडियो में करने का मौका मिलेगा? हाँ सोचा था। तो मैं सखर से बिलोंग करता हूँ और मैं कॉलेज तक सखर में पढ़ा हूँ। मेरे अबू लारकाना से हैं तो हमारा गांव लारकाना में खेरे देरो। तो सखर में जो मैंने अपना सारा टाइम गुजारा अपने दोस्तों के साथ अपने लोगों के साथ, उसके बाद मेरा सखर जाना बहुत कम होता था। वहाँ से जो मैं स्टोरीज देखे अपने साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फैमिली की तरफ से तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को तो कोई एतराज ही नहीं था। तो मेरे दोस्त थे उनका रिएक्शन मतलब दे वर लाइक के आर उर्दू मेकर लाइक नॉट सिंधी, कहते थे यार सिंधी में कौन सुनेगा तेरे को। एंड आई वाज लाइक कोई तो सुनेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है वो फ्लो करने में, वो राइम करने में। मुझे डेंगू हुआ था, मैं बीमार था फुल और मैं बुखार था, और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने देखा ऋषि भाई का मैसेज आया हुआ है, ही सेड के लेट्स डू समथिंग टुगेदर। और मतलब अप एंड डाउन आए लाइफ में, दुख मिले हैं, बट इट डजंट मैटर, जस्ट किसकी भी मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई। आई लव दिस दिस गाय, हीज हैड डेंगू फीवर, he believes in himself, both of them together, they've got great energy. I'm loving this so far. Okay, very very interesting. Okay, tum apna damaad lagao. So sai makando agala lakh ji atkal ji kamyabi hi kai dak ji, matlab main jo baat karta hu 1 lakh rupaye ki baat karta hu, bahut atkal ki kamyabi is like a one shot. Iski 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 jo baatein hain, jis tarah ek jo top of mind lyric aata hai आइडिया था कि यार ये गाना बनाना है सिंधी गाना। उस रिसर्च के अंदर एक लिंक आया, आई थिंक देयर वर सेवन वुमेन हु वर सिंगिंग समथिंग जो कि इतना ब्यूटिफुली हॉन्टिंग था कि मैं बस उधर ही रह गया। कलरफुल तरीन इमेज था, पर वो जो गा रही थी ना वो बहुत डीप और डार्क लग रहा था। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ना मतलब बहुत ज़ोर से लगा के दिल पे भी दिमाग पे भी, और तभी दूसरी बात ये समझ आ गई कि दिस आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन, दिस नीड्स टू हैव दिस डेप्थ, दिस नीड्स टू हैव दिस टेक्स्चर एंड दैट ऑथेंटिसिटी कमिंग फ्रॉम दीज वेमेन। तब मैंने नुमान को कहा कि मैंने वीडियो भेजी नुमान को, आप ढूंढो ऐसे टेक्सचर्स को कि जो कि सुन के ही बस पता चल जाए कि उनकी कहानी क्या। हम लोग बेसिकली कराची से उमरकोट गए थे, जहाँ जहाँ मेरे लिंक से मैंने उन दोस्तों से कहा मुझे छोटे छोटे को क्लिप्स आपकी जो टेरिटरी में ऐसी कोई फीमेल जो गा रही है मुझे भेजो। उमरकोट में किसी तबले नवाज का लिंक मुझे मिला एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि तुम एक दो मिनट की एक वीडियो भेज दो सो आई कैन हैव एन आईडिया कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको। और वो वीडियो उसने मुझे थोड़ी देर के लिए भेजी, मतलब छोटे से क्लिप था, मैंने बस देखा और वो जिस तरह गा रही थी और जिस जो उनका कॉन्फिडेंस था और जो खूबसूरती थी वैसी जनरली इन हर एक्सप्रेशन और इमोशन, मैंने कहा यही है। यही है तो वो हमारी जो कैरेक्टर थी वो साहिबान थी। हमने वो गाना अपने कान में लगा हुआ था, तो हम जब चला रहे थे और हमने उसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो तो सिंस रेस्ट कर रही थी, तो प्रैक्टिस करवाने के दौरान वो दो लाइंस मारवी ने खुद गाई।
वो पीछे बैठे हुए थे, पर देन मैं उनको माइक पे लाया, हमने उनको हेडफोन दिए। और फिर जब उन्होंने वो अपनी दो चार लाइंस गाई हैं, दैट वाज अ मोमेंट मैंने जोशी भाई को मैसेज किया था कि मैंने कहा जोशी भाई एक नहीं दो फोटो ले ली। लालकुमारी चाला ठीक ठाक जो यो खुली चेता होते ऐसा की गायब बुधायो ने जिने उन्होंने जी होता तीन चार सी माइक का उठो साउंड ता की पाजी आवाज प्रॉपरली इंदी जो रिदम हथ मा वने नडी जिथे थोड़ो थोड़ो रिदम अते पोते किंतु वरी ऐसा बेंदा सी वरी ता ही बेंदा सी मसलो को। जब ये साहिबा और मारवी जैम रूम आई थी ना, मेरी वो हालत थी मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब गाना शुरू किया, इन्होंने सिर्फ हमसे बात ही करनी शुरू की, मुझे लगा कि ये जैम रूम स्पेस बदल गई। वाकई पीपल मेक द स्पेस। It's great that they've actually just got, you know, singers from that area. They haven't got professional performers and whatever else. They've just got real people who actually are, you know, are living it, singing it every day. I love it. As you said, keep it authentic. पहला गया था वो ऐसा कि आखिर में गया वो पहला पढ़ गया आई 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 रूट्स वाइज बहुत डीप है ये गाना म्यूजिकली। चंग कहते हैं, चंग ना चंग, इसको इंडिया में कहते हैं मोरचंग। इधर कहते हैं इसका नाम है चंग। ये है हमारी जगह का, वैसे ये है सिंध का है। सिंधी कल्चर बड़ा रेजिलिएंट है। वी आर मेकिंग श्योर विद ऑल दीज आइडियाज़ कि हम ऑथेंटिक रहें, हम सच्चे रहें और हम उन राइट लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ये जो मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं ना, ये प्रॉपर जाए। और ये अगर हमें एक मौका मिल रहा है मैसेज देने का, तो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आप कह रहे हैं कि आइडिया दूसरों को भी आया होगा, ये खूबसूरत लगो लाहौर असके जहाज में कभी को चढ़े नोमान भाई चढ़ यो बोल ढो भलो है भेनर सिज निको ऊंदा ही वही हली खाबन में तो खाब डेकार जागी पाया तई थरवार मतलब ये थरवार आसी आयो असान दे अची वियो ये गाना डाडो भलो थे असान दे अची वियो अमरकोट थरवार करे 2 3 आई 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 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के साथ काम करना, कि सही लोगों के साथ काम करना जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है। अज़ुल्फ़ी भाई के साथ उनका मैसेज करना, उनसे बात करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। अवैस ना हैज़ बिन इन माय माइंड नॉट जस्ट कि ये वाला सीज़न, इससे पहले भी मुझे पता नहीं क्यों इसका जितना भी काम था ना उसमें एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देती थी, एक आइडिया दिखाई देता था जो मुझे लगता था कि इस बंदे का ना पर्सपेक्टिव चीज़ों को व्यू करने का डिफरेंट है, मैं जानता बिल्कुल नहीं था। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करें, तो क्या हम मिल सकते हैं? तो इससे मिल के तो होता ना कि एक दिल भी बड़ा हो गया और मेरी ना टेंशन बड़ी कम हो गई। कुछ लोग अपनी सारी अच्छी नीयत, काम, एक्सपीरियंस, कहानी अपने काम में डालते हैं, वो लोग ना सरफेस पे नहीं होते, वो लोग डीप होते हैं। और आर्टिस्ट डीप होना ज़रूरी है फॉर हिज वर्क और हर वर्क टू एक्चुअली इम्पैक्ट पीपल। सो मुझे अवैस का काम ऐसा लगता था। इसी तरह एक हैं आप हमारे, ही इज़ ए फोटोग्राफर, गुड्डू पाकिस्तानी।
ही ट्रेवल्स थ्रू सिंध, वो तस्वीरें खींचते हैं सिंध के ना लोगों की, सिंध के कल्चर की, उनके पैटर्न्स की, आइडियाज़ की, तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या क्या है इसके अंदर. I thought it was a real place. It's a set. Okay. Wow, they really made it look good. Really made it look good. Okay. Okay. कुछ भी सिंधी की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ उसमें सिंधी टोपी और अजग दिखाई जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार सिंध में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन दिखाया जाए कि सिंध असल में है क्या. जगहें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अंदर जाके लोगों को दिखाऊँ कि सिंध का कल्चर कैसा है, यहाँ की औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं. और जब हमने कुछ फोटोग्राफ्स देखी गुड्डू पाकिस्तानी की, तो मेरे लिए खुद बहुत बड़ी लर्निंग थी. एक्चुअली मैं ऐसे ही था जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं अबाउट द कल्चर, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द पीपल. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से पूरी निकली है, इतनी डीप हिस्ट्री है. जब हमने रिसर्च की, जब गुड्डू भाई ने हमें दिखाया सिंध क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस कराया इंटीरियर सिंध स्पेशली, तो हमने कहा कलर वो होगा जो लोगों ने पहना हुआ है, हैप्पीनेस उसके थ्रू नजर आएगी. और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी दिल को लगी वो ये था कि ज़्यादातर काम वहाँ औरतें करती हैं. जितना काम सिंध से कल्चरली बाहर जा रहा है वो सारा औरतें करती हैं, और वो सारी इकट्ठी आ आ के मिल मिल के बनाती हैं, बच्चियों को सिखाती हैं. ज़ुल्फ़ी भाई ने कहा कि इस That's a great thing. You know, all the cultural work is done by the women of the village. Okay. हमने करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंध के रियल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बजाय कि हम कोई और हायर करें या उनको रखें. पहला सवाल यही था कि क्या हम ये लोग को बुला सकते हैं, आप इनसे पूछ के देखें, अगर ये लोग मिल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस वीडियो की कि क्या बनेगा, क्योंकि अगर आपने सही लोग सही जगह पर दिखा दिए हैं तो कहानी कम्प्लीट है. जिस कम्यूनिटी में बिलोंग करता हूँ, हमारी जो खवातीन है वो अपनी गर्दन पर फुल गर्दन उनकी जो है वो टैटू से भरी होती है, और इसके अलावा काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं वो चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर इनके जो ड्रेसेस हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने ड्रेसेस जो हैं उन पे जो कढ़ाई है वो खुद करें. एक लड़की है उसकी कलाई तक अगर कोनी तक अगर चूड़ियाँ हैं तो इसका मतलब वो कुंवारी है. बिकॉज हमारा आइडिया जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मॉडल था वॉज अ रली, इट वॉज द आइडिया ऑफ द रली. रली जो होता है वो पेवंत का जो कॉन्सेप्ट है, विच इज पैच वर्क. सेकेंडली रली छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है, और वो टुकड़े जो ओरिजिनल रली का आइडिया था वो ये था कि मेरे पास कमीज है, आपके पास कोई कमीज है, मेरे घर चार चादरें पड़ी हैं, उसको रिसाइकल करता हूँ, उनको काट के पैच वर्क करके नया डिजाइन बनाऊंगा, और वो मेरे लिए अब चादर उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा. सो द कॉन्सेप्ट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट थ्रू आउट द सॉन्ग आवर मेन आइडिया वॉज टू ब्रिंग द कल्चर हेयर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द रली. तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों का थोड़ा जहन बदलूँ, क्या सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं. जो आप पूरा सेट में देखें तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स हर जगह पे रखे हुए. फॉर एग्जाम्पल हमने एक तरफ है जहाँ हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है. अब कितनी देर से पाकिस्तान बना हुआ है, कभी उठ के गए, मैं तो हम लोग कभी उठ के मिट्टी गए, मतलब हम कभी उठ के इंटीरियर सिंध गए, कभी हमने मेहनत की. जब कोक स्टूडियो आया एंड दे गेव मी अ होल प्लेइंग फील्ड के गो प्ले, तो खेसों से लेके चादरें, वेलकम पीसेस, दुपट्टे, दुपट्टों की आदमियों की जैकेटें बनी हुई हैं. I again didn't want them to wear very typical things, but also have some element of authenticity. तो एक को हमने एक बहुत एंटीक शर्ट थी, उसपे बहुत खूबसूरत काम था सिंधी, वो पहनाया. अदी खुश आयो. ताकि क्यों तो लगी है जो? मुख्य तो ताम आशा लाज डाटा ठहरा. अच्छा जब उन्होंने भेजा ना कि यार सिंधी गाना है, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम वेलकम करते हैं, इसके इस्तकबाल करते हैं. जब भी आप उनके गाँव में जाते हैं ना तो वो उन्होंने फूल पकड़े होते हैं, फूल की पत्तियाँ होती हैं, आप पे फेंकते हैं. तो मैंने कहा कि हम लोग एज अ कोक स्टूडियो हम उनकी कम्युनिटी में आए हैं, हम उनकी स्पेस में आए हैं, और हमें वो वेलकम कर रहे हैं और हम उसका हिस्सा बन गए हैं. और हम गए हैं उस स्पेस में और अब वो सारे एक जैम कर रहे हैं, और अब वो सारे गा रहे हैं, और अब वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को. सेट नथो फील थी इधर की गोठी आ जो और मां जनो अगर एडा प्यारा गोठा असा गोठन में हो जाना असा पाणे गोठा दी रहूं. दिल से करो,
ऐसे लगे कि दिल से बात हुई और ठक सबको पहुंचे। सही है, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब ये गाना रिलीज़ हो तब लोग इसको पसंद करें और लोगों को पता चले कि असल में सिंह जो है वो है क्या। बट अभी जो फील कर रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ कि वो मैं क्या क्या है और क्यों और कैसे नहीं बता सकते। What I want people to see is be awed by this and question good and bad. Question who we are. I'm so proud of it. मतलब माँ वो छोकरो जो को 7-8 क्लास में वही करे पांची क्लास में बोर्ड ते ध्यान न दिनो वही करे लिरिक्स लिखन हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शायद अगर किसी एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिली होगी तो वो वही होगी कि मैंने ख्वाब कभी भी छोटे नहीं देखे या ख्वाहिश कभी भी कोई छोटी नहीं। बहुत बड़ी ख्वाहिश की फिल्म रिलीज थी तो असाजा सिंधी जो माशाला जो है झूमजी वा हर गली हर घर में इंशाल्लाह ये गाना होंगे। No, but that was really emotional. That was really beautiful. And yeah, I'm feeling a lot of things. Just, I don't know what to say. Very emotional. And I hope it really, really makes people want to travel Pakistan. Allah mauka de. We can do so much for them. कहानी शुरू हो गया अभी इनकी, in a way, दुनिया तक इनकी bridge बन रही है और अल्लाह मियाँ इस ब्रिज को बहुत बहुत तरक्की दे। मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटिफुल लोग एट हार्ट एज अ कम्युनिटी मैंने नहीं देखा कभी भी। सबके दिल जीत लिए सबके दिल आपके हैं। So, हम मिलेंगे भी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। Well, this was very interesting. Obviously, delving deeper into the song meaning, the reasons for the way the set looked, the reason for the things people were wearing, all comes down to, you know, showcasing that culture. So imagine how happy those people would be, you know, those ladies that got picked for the vocalists as well, you know, being able to showcase your culture to the world. It would be beyond belief. It'd be such a privilege. So that was very interesting. A lot of work goes into these songs. You know, we just sit here, we react to them, you know, 10 minutes, whatever. Yep, that's good. Next one. But all of this work behind the scenes that goes into making these Coke Studios such great performances, both musically and visually as well, too. Especially this new season, this theme that we had today, you know, just so vivid. As I said at this reaction I did, you know, the colors are so vivid. They pop off the screen, and that's down to their culture. So it was amazing. It was amazing. It was a really good behind the scenes of what goes into this too. So, and then obviously the story about the women being the, you know, the ones that do all the culture in this culture. You know, that story about that, the king that wanted to take this lady away to be married, but she didn't want to. She wanted to be home with her people. So, and as they're saying, that resilience to escape that, to come home victorious. That was really interesting, really interesting. We kind of got a little snippet in the song. Obviously, we didn't understand all of that. It's good. I think we'll probably do majority of these behind the scenes, especially for the songs that are very involved, obviously. I really love that. I love that. I know a couple of people have suggested that in the comments in my last reaction video.
thank you very much for that. I immensely enjoyed this behind the scenes. So this was really good. An eye opener. I know there's a lot of work, but once you see it, you know, going out and talking to people, recruiting people, you know, doing the sets, I honestly thought that was an actual real house, you know. They had done that set so well. You know, they're actually there putting sand on the wall so it looks authentic and everything, you know, but they're doing it with that instructions and guidance from the actual, you know, the actual people that who know what they're talking about. So which is important. So that was really good. I really enjoyed that. So let me know what you guys thought of it. Thank you very much for joining me. Remember, if you haven't seen my reaction to I'll leave a link in the description. You can go check that out. So guys, thank you very much for joining me today for a behind the scenes Coke Studio. We have never done that before. So I'm very excited to delve into some more Coke Studio episodes this season. So guys, thank you very much for joining me. Make sure you stay safe. I'll definitely see you in the next reaction video. Did you enjoy that video? Why not watch another one?